सो वीडियो को शुरू करने से पहले आई एम वेरी सॉरी फॉर दोस्त जो भी बंगाली ऑडियंस है और ये इंतजार कर रहे थे कि बागा जतीन का मूवी रिव्यू कब आने वाला है। तो भाई आई एम वेरी सॉरी, जितने भी मूवीज के ऊपर मैं वीडियोस बनाते हैं भले से वो रिव्यू करते हो या रिएक्शन देते हो, इस हफ्ते सबकी फटी हुई थी और मैं भी इंसान हूँ, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और मेरी भी भाई फटी पड़ी थी। लियो, बागा जतीन, यारिया 2, उसके बाद से गणपत और भाई ये सब चीज। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ बुरी खबरों से। कहते हैं ना, आप बुरा सुनना चाहते हो या अच्छा सुनना चाहते हो, तो पहले बुरा सुन लेना चाहिए फिर अच्छा सुनना चाहिए। तो भाई सबसे पहले बात करना चाहूंगा भाई अपने गणपत मूवी के बारे में। भाई ये फिल्म कैसी है, तो आपको इन शॉर्ट इतना बता देना चाहता हूँ, मैंने टीजर और उसके वजह से ट्रेलर के टाइम में भी कहा था, लोगों ने मुझे भर भर के गालियां दी थी, डीएम में आ करके जो है पूरे फैमिली को याद किया था बड़े प्यार से, लेकिन मैं अपनी बातों पे अटल रहा था और देखो रिजल्ट वही है कि भाई गणपत जो है कुछ अलग मूवी नहीं है। अगर आप टाइगर श्रॉफ की नंगी बॉडी देखने के शौक रखते हो, लड़कियां अगर उस बॉडी को देख करके और गाजम फील करती है, या फिर टपोरी गिरी और छपरी गिरी का लिमिट पार करने वालों में से हो और वही चीज आपको सबसे ज्यादा लुभाता है, तो ये मूवी आप जा करके देख सकते हो। और इससे भी बेहतरीन तरीके से अगर इस मूवी को डिफाइन करना हो तो यूं समझ लो, अगर आपसे किसी से कोई पुरानी दुश्मनी है, आपने किसी से उधार ले रखा है और उसको जिंदगी भर के लिए फिनिश करना चाहते हो, तो भाई उस इंसान को ये मूवी फ्री में दिखा देना, वो बंदा जो है उसके बाद से शायद ही जिंदा बचे, और अगर जिंदा बचे तो भाई वो आपसे और उधार मांगने की हालत में तो नहीं रहेगा क्योंकि दिमाग तो आउट हो चुका होगा। तो मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी अमीर वर्सेस गरीब और उसके बीच में जो है अपने अमिताभ बच्चन आते हैं। और देखो मजे की बात, अमिताभ सर को जो है जस्ट इसी के लिए यूज किया था ताकि आपको फील हो कि भाई कुछ बड़ी सी मूवी है और इसके अंदर में सब कुछ नया दिखाया जाएगा और कुछ दमदार होगी स्टोरी। लेकिन आप अमित सर को भी क्या कह सकते हैं भाई, उनका भी जो है इस एज में काम बहुत कम आने लगा है और जहां से जो मिले वो बटोर लेने वाला मौका है, तो भाई उन्होंने यही काम किया है। तो अमिताभ बच्चन बहुत ही जल्द कल्टी मार जाते हैं स्टोरी से, और उसके बाद से जो अपने गुड्डू भैया जो है वो गणपत बन जाते हैं। भाई गुड्डू भैया से याद आया, इससे कहीं मतलब हजार गुना बेटर क्यों, एपिक गुड्डू भैया जिनका डायलॉग है जिंदगी हो तो ऐसी हो वरना जिंदा तो समझ रहे हो ना, तो भाई वो गुड्डू भैया होते तो बात कुछ और ही होती, लेकिन ये वाले गुड्डू भैया को ऐसा लगता है कि भाई पूरी की पूरी जिंदगी पूरी दुनिया बस इसी सिक्स पैक ऐप में चल रही है। और एक चीज कहना चाहता हूँ कि टाइगर श्रॉफ की मम्मी जैसे हर बार जाकर के गेटी गैलेक्सी में लोगों के रिव्यूज देख करके खुश हो जाती है ना, इस बार भी जाकर के उनको यही करना चाहिए। एंड आई एम शॉक्ड कि बॉलीवुड वाला मतलब द मिस्टर सोनू, वो भाई साहब किस धड़ाके से झूठी झूठी बातें कह रहे हैं कि भाई क्या एक्टिंग है, क्या डिस्टोपियन ईरा दिखाया गया है, ये मूवी जो है हॉलीवुड को टक्कर देती है, इंच गांजा मार के बैठे हो क्या बे। तो आप इन सभी चीजों से समझ चुके होंगे कि मेरी अंतरात्मा जो है किस तरह से सफर करके बाहर आई है। सो दैट्स इट फॉर दैट मूवी। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट मूवी, दैट इज यारिया 2। यहाँ पे जो है ना एक बंदा है ठीक एमोन एभाबे, कुछ ऐसे ही गाना था, और बंगाली में जो है इस भाई साहब का फिल्म का नाम था गैंगस्टर और बहुत ही कड़क लुक लग रहा था वो, तो मुझे नहीं पता, कुछ लोगों ने बताया कि ये भाई साहब पूरी करियर में ऐसे ही लुक के साथ में चल रहे हैं और इनको और कोई लुक ही नहीं है, इनके कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आते, तो भाई साहब को यहाँ पे भी दिखाया गया है। एंड ट्रस्ट मी बॉस, बहुत बड़ा टॉर्चर लगे ये भाई साहब और मेरे सारे भूत उतर गए कि इन भाई साहब को और जानना चाहिए। और कुछ लोगों का ये कहना था कि ये भाई साहब को जो है एज अ नेक्स्ट देव लॉन्च किया जा रहा है और ये इंडस्ट्री का अगला देव होगा। माय गॉड, एक देव को झेलना मुश्किल था एक टाइम पे, समझ जा रहा है ना, जब देव उछल कूद कर करके डांस वांस करता था और चलो एक बहुत अच्छा सा ऑडियंस बनाया था, लेकिन उसके बाद से मुझे पसंद आने लगा जब से अमेजन अभिजान आया, चांद्र पहाड़ आया, उसके बाद से लगा हाँ भाई बंदे के अंदर में दम है, लेकिन इसकी शक्तियों का जो है पूरी तरह से गलत इस्तेमाल किया गया है। आई थिंक यही चीज टाइगर श्रॉफ के लिए भी होना चाहिए था। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट यारिया 2। यारिया 2 के अंदर में आपको दिखेंगी द मोस्ट ब्यूटीफुल दिव्या कोसला, जो कि भाई टी सीरीज की मालकिन है एक तरह से कह सकते हैं, और यूं समझ लो कि इसने जाके हस्बैंड का बहुत ज्यादा दिमाग खाया होगा कि भाई मेरे को एक मूवी चाहिए करवा दो, और यारिया जो है एक अच्छी खासी मूवी हिट हो गई थी तो भाई उसी का पार्ट 2 के नाम से लॉन्च कर दो। और पता नहीं कौन सी एक मूवी का रीमेक है, मैंने उस मूवी को नहीं देखा, आई एम वेरी सॉरी अगर कोई लोग ऑफेंड होते हैं कि उस मूवी के बारे में नहीं पता और मुझे उस मूवी के बारे में अच्छे से बोलना चाहिए था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आप लोग अगर इंसिस्ट करोगे मैं जाकर के देख लूंगा, तो कहा जा रहा है कि उसी मूवी का रीमेक है, लेकिन ये कैसा रीमेक है जिसको देखने के बाद से मुझे 15-20 मिनट से ज्यादा झेला नहीं गया, एंड आई स्टार्ट स्लीपिंग, हाँ मुझे औंघे आने लग गया था मैं थिएटर के अंदर में। और इसके अलावा जो है अपने मेजान जाफरी भाई साहब बलाल लाए थे, जो कि एक बंगाली फिल्म प्रेम अमर का एक कॉपी था, मतलब रीमेक था। उसके बाद से जो है हंगामा 2 आया था, जिसको क्या हाई लेवल पे जाकर के हागा भाई साहब ने शिल्पा शेट्टी के साथ में, एंड द फाइनल वन इज दिस कि भाई क्या क्या करना चाह रहे हो, मतलब ये फिल्म भी जो है बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई है भाई, और इसको देखने की हिम्मत किसी के नहीं है, और अगर आप देखने की अगर उम्मीद भी रखते हो तो आपके आसपास के थिएटर में ये मूवी मिलना थोड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत ही समझ रहे हो ना कि जो चीज की मतलब बहुत कम
खेती होती है वैसा है कुछ, समझ लो बात को। तो अगर आप चाहो भी तो नहीं देख सकते, वेट करो, टी सीरीज जो है खुद अपने चैनल पे लाके फ्री में ठोक देगा। एग्जैक्टली इस मूवी को जो है 5 या 6 मिनट का एक गाना बनाना चाहिए था, जैसे कि या पिया की आने लगी वाला गाना था, बिल्कुल वैसे बना करके भाई रिलीज कर देना चाहिए था इन्हीं सारे कास्ट के साथ में, तो शायद बहुत बड़ी हिट होती वो वीडियो भी, लेकिन इस मूवी का चलना इट्स इम्पॉसिबल। सो नाउ इज द टाइम फॉर बाघा जतिन। तो अब बात करते हैं बाघा जतिन के बारे में। बाघा जतिन भाई नवीना सिनेमा में जाकर के देखा, वहां पे जाने के बाद पता चला कि यार मुझे वहां पे देख लेना चाहिए था कुछ और। ठीक है, मैं बाघा जतिन की बात करता हूँ। सबसे पहली चीज, ऑडियंस बहुत मस्त तरीके से मूवी को सेलिब्रेट कर रही थी और बाहर में जो क्राउड था बॉस, देख करके दिल एकदम भर गया कि हाँ ये एक अच्छी बात है। एक भाई साहब मिले थे मुझे जिनका ये कहना था कि ये फिल्म में वो पोटेंशियल नहीं है जो कि जीत की फिल्म चंगेज में थी, जो कि जीत की आने वाली फिल्म मानुष में है। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं तो भाई ये हमारे फ्रीडम फाइटर जतिन जी की एक बायोपिक है जिसको बहुत अच्छे तरीके से सामने में रखा गया है। एंड ट्रस्ट मी, यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस मूवी। और देव ने इसमें जो काम किया है बहुत सराहने लायक काम किया है, आपको मतलब सर आंखों पर रखना पड़ेगा इस इंसान को कि ये बंदा जो है ना अब जो है कुछ अलग तरह से पेश आ रहा है अपने ऑडियंस के साथ, बंगाली सिनेमा के साथ में, और अपने बंगाली सिनेमा को एक अलग लेवल पे सेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। सो प्लीज यार उसको खींच करके नीचे मत लाओ कि सिर्फ और सिर्फ मासी मसाला मूवी ही करो। यार हर चीज का एक एक इंसान भार ले रहा है, जैसे कि हमारे जीत साहब है वो मासी मसाला मूवी का भार लेके घूम रहे हैं और उनके ऊपर में मस्त वो काम भी कर जा रहा है। यहाँ पे जिस तरह से देव की बात की जाए तो देव ने जो है अपने ऊपर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है कि मैं सिनेमा का एक लेवल सेट करना चाहता हूँ, खास करके बंगाली सिनेमा को जिस तरह से लोग जानते हैं उससे थोड़ा हटके, और खास करके अगर मेन लीड एक्टर हो पर एक तरह का ऐसा एक्टर सुपरस्टार जो कहला रहे हो, उसके बावजूद आप सिर्फ मसाला मूवी नहीं कुछ ऐसी मूवीज में भी काम करना चाहिए जिसको देख करके लोग बोले कि हाँ यार इस इंसान को अगर सुपरस्टार बनाया है तो ये बंदा डिजर्व करता है और यही वो बंदा है जो अपने कंधे पे ये भार लेके आगे बढ़ सकता है। तो भाई मूवी की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे तरीके से रखा गया। दैट ओपनिंग सीन, दैट स्लोमो शॉट, दैट वाज ऑसम एंड देव वाज लाइक रोरिंग इन द थिएटर। लोग एकदम फाड़ चुके भाई, कान फाड़ दिए, मैं बीच में बैठा हुआ था और लोगों ने दोनों साइड से जो हवा निकाले ना मेरे भाई एकदम जबरदस्त। आई एम सॉरी कि मुझे इस फिल्म को मतलब पूरी तरह से डायलॉग बाय डायलॉग, मुझे बंगाली आती है और बोल भी लेता हूँ, लेकिन डायलॉग बाय डायलॉग वर्ड बाय वर्ड में समझ नहीं पा रहा था, मुझे हिंदी की जरूरत थी। लेकिन मैंने जो फिल्म देखा उससे इतना समझ में आया कि क्या कॉस्ट उन्होंने पे किया है, और आज जो हम इस खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं भले से वो बंगाल में है या ऑल ओवर इंडिया में है, देयर वाज अ फायर इन दैट पर्सन, और उन्होंने ये चीज को बहुत अच्छे तरीके से पर्दे पे दिखाने में सक्षम हुए हैं, मींस सक्सेसफुल हो चुके हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज अ पूजो फिल्म, पूजा में ये फिल्म देखने लायक है। इसके अलावा भी दशमा अवतार चल रहा है, रक्त बीच चल रहा है, और ये दोनों फिल्म के लिए मैं अभी एक दो दिन का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर देखूंगा उसके बाद से, क्योंकि इन दोनों मूवी के बारे में भी बहुत ज्यादा बातें चल रही है। जब मैं थिएटर से बाहर आ रहा था तो लोग मेरे को पूछ रहे थे कि आपको रक्त बीच देखनी चाहिए, इससे कहीं ज्यादा बेटर है, और कुछ लोगों का ये कहना था कि देव को वो स्क्रीनिंग मिली ही नहीं जो चंगेज के टाइम पे जीत को मिली थी, उसका हाफ से भी हाफ मिला है इस फिल्म को। तो मैं कह रहा हूँ उसके बावजूद जो परफॉर्म कर रही है बाघा जतिन, दैट्स ऑसम, दैट्स आउटस्टैंडिंग। तो भाई इस चीज को लेकर के मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप बताओ आपका क्या रिएक्शन है। आपने जब देखा कि देव एज अ बाघा जतिन जब बड़े स्क्रीन पे 70mm पे दिख रहे थे और जो भी चीजें दिखाई जा रही थी, उनके जो स्ट्रगल थे, उनके जो अपने अंदर के जो नीति थी, किस तरह से उन्होंने काम किया, किस तरह से लोगों के अंदर में आग जगाई, वो सारी चीज आपको देखने के बाद कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। और आप अपने फैमिली के साथ देखने के लिए जा रहे हो ना, बाय द वे थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग जाकर के बार बार कमेंट सेक्शन पे डीएम पे जाकर के लिख रहे थे कि भाई बाघा जतिन का रिव्यू लेकर क्या तू सबसे पहले लियो क्यों बता रहा है, लियो के बारे में क्यों बोल रहा है। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दीज मूवीज, व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और वीडियो को एंड तक देखा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। आंखें एकदम लाल हो चुकी है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस गॉगल।